नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार में लॉकडाउन के बाद भी शराब का कारोबार जारी। ताजा मामला है पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट इलाके का है। यहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मारुति कार में छापेमारी कर अंग्रेजी शराब के 400 बोतल को बरामद किया है। वहीं पुलिस का कहना कि गंगा पार से शराब की खेप आने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस की टीम छापेमारी करने गई, जहां शराब कारोबारी पुलिस को देखकर अपना मारुति कार छोड़कर फरार हो गए। वहीं कार से लगभग 400 बोतल अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है। कार के नंबर का वैज्ञानिक अनुसंधान कर इसके मालिक का पता लगाया जा रहा है और शराब कारोबारी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं आ रहा है। सर, कार से शराब बरामद कराई। गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि दमराही घाट पर जो है कुछ शराब जो है लाद कर उधर गंगा उस पार से इधर लाने के फिराक में है। उसके सूचना पर जब गए वहाँ तो कार चालक तो भागने में सफल रहा, चूँकि गंगा किनारे काफ़ी हम लोग प्रयास किए लेकिन भाग गया। कार की तलाशी ले गए तो कार में से लगभग 100 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। कार भी जब्त किया गया है। कार का हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।